बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब दबदड़े चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी इसी तरह की वीडियो आपको बसानी मिल सके। दोस्तों, रेस्क्यू 1122 की तरफ से नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले मैं बताया चलता हूँ आपको कि वीडियो अगर आप मुकम्मल तौर पर नहीं देखेंगे तो आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको अप्लाई करने के दौरान कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, इसके ऐड आप देख सकते हैं। नंबर वन पे जो पोस्ट है वो है स्टेशन हाउस इंचार्ज, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है BA BSc, एज लिमिट 20 से 30 साल है। हर पोस्ट के आगे उसके लिए दोस्तों उसका मेरिट और उसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट लिखी हुई है, आप देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिलेगा। दोस्तों, नंबर टू पे है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसीलिए नंबर थ्री पे है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस है, इसी तरह नंबर फोर पे है अकाउंट असिस्टेंट, इसीलिए इसी तरह नंबर फाइव पे है ऑडियो वीडियो कैमरा मैन है, सिक्स पे शिफ्ट इंचार्ज आगे है वायरलेस टेक्नीशियन, नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, नेक्स्ट है ड्राइवर और इसी तरह है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फायर रेस्क्यूर है, DRT रेस्क्यूर है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, जूनियर क्लर्क है, ऑटो मैकेनिक है, सीनियर स्टोर कीपर है, इसी तरह नेक्स्ट है कारपेंटर प्लम्बर, इसी तरह स्टील फिक्सर है, हेल्पर फॉर हैवी मशीनरी है, स्टोर कीपर है, ड्राइवर है, इसी तरह नंबर 28 पे है सिक्योरिटी गार्ड और लास्ट पे है स्वीपर। दोस्तों, हर एक के लिए उसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आगे लिखी हुई है। इसमें आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपने इसका जिस एप्लीकेशन फॉर्म जिस वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो ये नीचे यहाँ मेंशन है www.pts.org.bk। मैं इस वेबसाइट पे आपको लिए चलता हूँ। लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऑल प्रोजेक्ट्स टेस्ट क्राइटेरिया पे, आप देख सकते हैं नंबर वन पे ये पोस्ट पड़ी है रेस्क्यू 1122 की, इसको मैं ओपन करूंगा। दोस्तों, मैं बताया चलता हूँ कि जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन में पोस्ट है 29 से 30 तक उसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, 25 से 28 के लिए अलग है। इसी तरह आप देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पे हर एक पोस्ट के लिए उन्होंने अलग एप्लीकेशन फॉर्म रखा है। तो इनमें से मैं किसी एक को ओपन करूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, इसी तरह आपने अपना पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो मैच उस पर टिक करना है, इसी तरह आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपकी मार्क्स की डिटेल आ जाएगी, एक्सपीरियंस की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसका नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, आप पढ़ सकेंगे मुकम्मल तौर पर। दोस्तों, इसके बाद लास्ट में इसका चलान फॉर्म भी दिया हुआ है, आपने इसकी फी जमा करवानी है HBL बैंक में या UBL की किसी भी ब्रांच में, आप इसकी फी जमा करवा सकते हैं। ये नीचे हर एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे उसका चलान फॉर्म अवेलेबल होगा। दोस्तों, 18 सितंबर इसकी दोस्तों लास्ट डेट है, 18 सितंबर से पहले आपने अप्लाई करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जिस एड्रेस पे पोस्ट करनी है वो ऊपर दिया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस एड्रेस पे दोस्तों आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगा कर टेस्टिंग मुकम्मल तौर पर आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करनी है, वो है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजले हक, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। दोस्तों, अप्लाई के दौरान अगर आपको किसी भी किस्म का मसला पेश आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको ऐड का और एप्लीकेशन फॉर्म का मुकम्मल लिंक मिलेगा। आप तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।